नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। आज से 162 साल पहले 10 मई 1857 के दिन दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग लड़ी गई थी। ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारत माता के वीरों ने कई अंग्रेज अधिकारियों और सिपाहियों को मार डाला था। यह घटना मेरठ कैंट में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई ने पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की बिगुल बजा दी थी और कमोबेश पूरे देश की जनता इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी। दरअसल ब्रिटिश शासन के अत्याचार और शोषण से त्रस्त भारतीय सिपाहियों और जनता ने इस लड़ाई के जरिए ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। जात पात और धर्म से ऊपर उठकर आज़ादी की इस पहली लड़ाई में समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया। आगे चलकर भारत की आज़ादी से जुड़े आंदोलन में इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का काफ़ी व्यापक असर पड़ा। आज के विशेष में बात करेंगे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की। जानेंगे उन वीर सैनिकों के बारे में जिन्होंने इस क्रांति में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इसके साथ ही बात करेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के का आगे चलकर भारत की आज़ादी पर कितना प्रभाव पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सदियों की औपनिवेशिक गुलामी और शोषण के खिलाफ भारत की जनता जब 1857 में उठ खड़ी हुई तो देखते ही देखते इस लड़ाई में पूरा भारत शरीक हो गया। पहली बार गुलामी और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ इस लड़ाई में ये भी तय हो गया कि अंग्रेज अपराजय नहीं हैं और उन्हें हराया जा सकता है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई इस लड़ाई को आज़ादी की पहली लड़ाई यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आइए जानते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को। दस मई 1857, जगह मेरठ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज चुका था जब अंग्रेजों के शोषण और भेदभावपूर्ण नीतियों से तंग आकर मेरठ छावनी में भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। सिपाहियों ने न केवल अंग्रेज अफसरों के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया बल्कि जेल खाने को तोड़कर सैकड़ों बंदी भारतीय सैनिकों को मुक्त कराया। इसके साथ ही क्रूर और अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी। 10 मई 1857 का मेरठ छावनी में सिपाहियों का विद्रोह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ के विद्रोह की शुरुआत करने के बाद भारतीय सिपाही दिल्ली की तरफ कूच कर गए और 11 मई 1857 को सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू कर दिया। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। सरकारी दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कब्जा कर लिया या उन्हें नष्ट कर दिया। इस तरह सत्ता के केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। उनके नाम पर सिक्के ढाले जाने लगे और उन्हीं के नाम पर आदेश भी जारी किए जाने लगे। अंग्रेजों का जो प्रतिरोध है वो तो भारत में उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से भारत के अंदर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी, चाहे वो सन्यासी फकीर विद्रोह बंगाल में 1770 से है और 1857 तक आते आते करीबन 250 ऐसे विद्रोह हैं जो जगह जगह पे अंग्रेजों का प्रतिरोध किया गया। और 1857 जो है वो एक परिणति थी ऐसे विद्रोहों की जो एक साथ भर के पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उभर करके आई। मेरठ और दिल्ली पर कब्जे के बाद पूरे उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में तो सिपाहियों और नागरिकों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की तेज लहर चल पड़ी। इस लड़ाई के दौरान कंपनी के करीब 2.5 लाख सैनिकों में से आधे सिपाहियों ने अपनी अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया और सेना के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली पर कब्जे के करीब एक महीने के भीतर ही ये आंदोलन कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी
और बिहार समेत देश के अनेक इलाकों में फैल गया। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश से भर उठा था। ब्रिटिश हुकूमत के शोषण और जातियों से पूरे देश की जनता परेशान थी और यही वजह थी कि पूरे देश की जनता इस लड़ाई में शामिल हो गई। अगले एक साल तक देश में ब्रिटिश हुकूमत एक तरह से गायब रही। इसका विस्तार पेशावर से लेकर के और असम में डिब्रूगढ़ तक था, नीचे कर्नाटक में बेलगांव तक था, महाराष्ट्र में शोलापुर, शोरापुर, औरंगाबाद, गुजरात में पंचमहल, उड़ीसा, ढाका, चिटगांव और पूरा अवध, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाके, तो मतलब एक पूरे भारत का जो है भारत पूरे में विस्तृत था इसका जो क्षेत्र था विरोध का। दरअसल 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन की सालों से चली आ रही दमनकारी और अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारणों में से एक थी गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति। ये अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। इसके साथ ही भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के चलते किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। साथ ही भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। इन सब के अलावा एक बड़ी वजह थी भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच होने वाला भेदभाव और सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों का शोषण। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारणों में से एक कारण इस बात की चर्चा भी थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। इस कारतूस के इस्तेमाल पर जोर देने के विरोध में मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। इसके बाद अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को ही भंग कर दिया। वही 9 मई को मेरठ में सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्हें 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों के इन क्रूर नीतियों ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के शुरू होने की बीज बो दी। ये जो संग्राम शुरू होता है, शुरू तो एक उस समय राइफल के कारतूस की घटना बन जाती है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से भारत के किसानों को भूमिहीन बनाया गया, उनके ऊपर अफीम की खेती, नील की खेती थोपी गई ला करके, भारत के जो जुला थे उनको तबाह किया गया, राजाओं की सेनाओं को तबाह किया गया, वो सैनिक क्या करें, कहाँ जाएं। उसके अलावा लोहार का जो काम था कि सैनिकों के लिए उस समय शस्त्र बनाते थे करते थे, वो बेरोजगार हुए, मतलब छोटे ज़मींदार। फिर जो दत्तक पुत्र लेने के लिए इन लोगों ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अपना, आइडियोलॉजी वगैरह ने, तो एक बहुत सारे कारण ऐसे एकत्रित होते चले जा रहे थे जो ऊपर भारतीय रजवाड़ों से लेकर के और भारत के गरीब से गरीब जो व्यक्ति थे उन तक को प्रभावित कर रहे थे और इसीलिए सारे मिल करके लड़े हैं पूरे इसके अंदर। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत और सेना के दम पर भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया, लेकिन इस लड़ाई ने ये तय कर दिया कि अब अंग्रेज भारत पर सदियों तक शासन नहीं कर पाएंगे। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जिस संग्राम ने पूरे देश के जनमानस को झकझोर कर रख दिया, जिसने सदियों से गुलामी की आगोश में सोई हुई जनता को जगा दिया, भारत के उस पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को एक मशाल में बदल देने का श्रेय जाता है उन नायकों को जिन्होंने आखिरी दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया और आज़ादी के लिए सबको प्रेरित कर गए। देश के इन वीर सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई और उनके अन्यायपूर्ण नीतियों का खुलकर विरोध भी किया, जिसमें आम जनता ने भी अपना सहयोग दिया। आइए इतिहास के गौरवपूर्ण पलों को याद करते हैं जब मातृभूमि के लिए 1857 के नायकों ने अंग्रेजों को वो टक्कर दी कि यह आजादी की पहली लड़ाई बन गई।
आजादी की पहली लड़ाई, जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए खदेड़ने के लिए देश के वीरों और वीरांगनाओं ने हाथों में तलवार थाम ली। 1 साथ उत्तर भारत और मध्य भारत के मुट्ठी भर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। क्रांतिकारियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति का संचालन किया और ठान लिया कि दिल्ली की गद्दी पर हिंदुस्तान के शहंशाह बहादुर शाह काबिज होंगे। मुगल बादशाह सत्ता से बेदखल और बेहद कमजोर हो चुके थे, लेकिन इस क्रांति को अपना समर्थन देकर वो इस लड़ाई के प्रतीक बन गए। आंदोलन को बड़ी ताकत मिली थी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना से। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था और रानी को पेंशन दी गई। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और नारा दिया कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। मार्च 1858 में हुग रोज ने झांसी पर आक्रमण किया, तब रानी ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल के अंग्रेज भी कायल हो गए थे। 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी ने वीर गति प्राप्त की, लेकिन हर मोर्चे पर उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। देखिए, नायक तो बहुत थे और उनके इतिहास में नायकों के नाम आ भी जाते हैं कि उसमें मान लीजिए नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, अजीमुल्ला थे, रानी झांसी थी, अवंती बाई थी, अजीजन बाई थी, मतलब स्त्रियों के ऐसे ऐसे नाम आते हैं इसके अंदर। अब जैसे और ये बड़े नेता हैं, आप देखिए मेरठ में शामली में आशा गुजर है, माम कौर है मुजफ्फरनगर के इलाके के अंदर, छोटी स्त्री गांवों से स्त्रियां उभर करके आई हैं इसके अंदर। 1857 के आंदोलन में मजबूत दीवार बनकर खड़े थे नाना साहब, जो कानपुर में विद्रोह का संचालन कर रहे थे। वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने नाना साहब का पेंशन भी बंद कर दिया था। मंगल पांडे ने मेरठ में सैनिकों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ तो उसके बाद नाना साहब ने कानपुर पर अधिकार कर स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट और खुद को उसका गवर्नर घोषित किया था। हार कर नाना साहब नेपाल के जंगलों में छुप गए और आज तक कोई नहीं जानता कि उसके बाद वो कहां गए। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया तात्या टोपे और अजीमुल्ला ने। आंदोलन के विफल होने के बाद 1859 में आज ही के दिन तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई, लेकिन दोनों ने मिलकर नाना साहब के नेतृत्व में अंग्रेजों से कई युद्ध किए और लोगों को आजादी के महत्व के बारे में समझाया। मैं तो कहूंगा एक तात्या टोपे बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं इस पूरे उसके अंदर, और अनगिनत नाम हैं इसके, और मैं तो मानता हूं कि हर व्यक्ति इस समय नायक बन गया था अंग्रेजों के खिलाफ। वही अवध क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था और अवध की क्रांति का संचालन बेगम हजरत महल ने किया। बेगम ने अवध के जमींदारों, किसानों, सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को अनेक स्थानों पर हराया और अंग्रेजों को लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। उधर बिहार में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला था। दानापुर में विरोध कर रहे कुछ क्रांतिकारियों ने आरा पहुंचकर कुंवर सिंह से विद्रोह का दायित्व संभालने को कहा। नाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने अवध और मध्य भारत में भी युद्ध किया और जगदीशपुर आरा में अंग्रेजों को हरा दिया। 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गई। इलाहाबाद में कमान संभाले हुए थे मौलवी लियाकत अली और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरोध में लोगों को एकत्रित किया। देखिए, अंग्रेजों ने तो इसको दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों को तोप के मुंह से लगा के गोलों से उड़ाया गया। गांव के गांव जो है उनका नाम मिटा दिया गया नक्शे के ऊपर से, उनको जलाया गया, मारा गया। मतलब आज भी ऐसे ऐसे गांव मौजूद हैं जहां पे वो पेड़ हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं मुजफ्फरनगर में बागपत की तरफ, जिनके अंदर 50-50 स्त्रियों को जो है फांसी के ऊपर टांगा गया। तो मतलब
कोई कसर उन्होंने इसको दबाने के अंदर नहीं छोड़ी। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता ने भी अंग्रेजों को कई मोर्चों पर हराया। एक साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग और नेता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े थे। फरुखाबाद में तुफजल हसन खान और बिजनौर के मोहम्मद खान ने अपने इलाके में मोर्चा संभाला तो मुरादाबाद के अब्दुल अली खान, बरेली के खान बहादुर खान ने भी आंदोलन में हिंदू क्रांतिकारियों का साथ दिया। मंदसौर में फिरोज शाह आंदोलन को संभाल रहे थे और गोरखपुर में गजधर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़े। 1857 के आंदोलन के सभी स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, लेकिन सभी ने भारत को एकता के एक सूत्र में बंधने और आजादी के लिए लड़ने का संदेश दिया था, जो लौ की तरह तब तक जलता रहा जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1857 का संग्राम मेरठ में सैन्य कर्मियों की बगावत से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही ये व्यापक होते गया। इसे ब्रिटिश शासन को गंभीर चुनौती मिली। हालांकि ब्रिटिश शासन इसे दबाने में सफल रहा, लेकिन ये एक ऐसी लोकप्रिय क्रांति थी जिसमें भारत के हर वर्ग की सहभागिता थी। यही वजह है कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है। बाद में आज़ादी के आंदोलन पर इस स्वतंत्रता संग्राम का गहरा प्रभाव पड़ा। इस संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत जिन नीतियों पर आगे बढ़ी, उससे ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों में घृणा बढ़ती गई। इससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। के विद्रोह को कई नाम से जाना जाता है, लेकिन दरअसल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी। उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि इस संग्राम से जो चिंगारी धीरे धीरे भारत में फैलने लगी थी, वो अंग्रेजी हुकूमत को भारत से खदेड़ने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। भले ही 1857 और आजादी के बीच करीब 90 साल का फासला रहा, लेकिन इस संग्राम ने आजादी की आंदोलन की नींव रख दी। इसके बाद पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक लहर पैदा होने लगी। अंग्रेजी हुकूमत ने 1857 के संग्राम को कुचलने के लिए जिस तरह की निर्दयता दिखाई, उससे लोगों के बीच ब्रिटिश शासन की वास्तविक मंशा जाहिर होने लगी। लोगों में संदेश गया कि अंग्रेज किसी भी तरह से भारत पर शासन करना चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि 1857 के संग्राम से बाद के आज़ादी के आंदोलनों को प्रेरणा मिली। इसने बाद के आंदोलनों को एक नई ताकत दी। जिस विद्रोह को अंग्रेज कहते हैं कि उन्होंने दबा दिया, मैं उसकी व्याख्या इस तरीके से करता हूं कि ये आग दब जरूर गई थी, लेकिन बुझा नहीं पाए थे, और इस आग ने एक चिंगारी का रूप ले लिया था, और इसी चिंगारी ने जाकर के आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रभावित किया कि विभिन्न विचारधाराएं उसमें से निकल के आई, क्रांतिकारी निकल के आए, जन आंदोलन निकल के आए। और ये देखिए, इसका तो इतना प्रभाव है कि सावरकर ने पूरी इसके ऊपर किताब लिखी 1857 के ऊपर स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए, और वो भारत के क्रांतिकारियों के लिए एक ग्रंथ बन गया पूरा का पूरा। 1857 के संग्राम का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस संग्राम से पहले अंग्रेजों और भारतीयों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार ज्यादा उग्रता वाला नहीं था, लेकिन 1857 के गदर ने इस मनोवृत्ति को एकदम बदल दिया। विद्रोह का दमन बहुत अधिक कठोरता और निर्दयता के साथ किया गया था, जिसे भूलना भारतीयों के लिए असंभव था। भारतीय और अंग्रेजों के बीच एक गहरी खाई बन गई। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। उन्होंने शासन और सेना के पुनर्गठन का आधार धर्म और जाति को बनाया। अंग्रेजों के इस कदम से हिंदू मुसलमानों के बीच की दूरियां कम होने लगी। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश करने लगे। उसके बाद में जो 1861 1871 वगैरह की जो जनगणनाएं हुई है, उनमें रातों रात इन लोगों ने जो है भारत की जो परंपरागत जातियां नहीं थी, परंपरागत पेशेवर लोग थे, उनको नीची जाति में कन्वर्ट कर दिया। लोअर कास्ट बोलते हैं उनको अपने सारे रिकॉर्ड्स के अंदर। कुम्हार थे, माली थे, नाई थे, लोहार थे,
ये कभी जाति नहीं थे, ये परंपरागत समुदाय थे जो अपना पेशेगत करते थे। इन्होंने उनको उस तरीके से बदल दिया। और दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे इतिहासकारों ने इन चीज़ों को समझने की जगह केवल ये मान लिया कि एक सामंतवादी विद्रोह था और वो था, और उसको हमने जांचने की कोशिश नहीं की कि इसका क्या। और जो अंग्रेज़ों ने नीतियाँ अपनाई फिर इसके बाद में, उस नीतियों के विरोध में ही फिर और जो है राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा होता है पूरा उठ करके। 1857 के संग्राम से भारत में राष्ट्रवाद और पुनर्जागरण का बीज बोने में मदद मिली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आंदोलनकारियों को 1857 के संग्राम से हमेशा प्रेरणा मिलने लगी। 1857 में आजादी की जो मशाल जली, उससे ही आगे चलकर अंग्रेजी शासन के भारत से निकलने का रास्ता तैयार हुआ। पहले स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भावी ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था पर पड़ा। कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चली गई। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि वे भारत शासन व्यवस्था को उदार बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो भारत पर अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों के असंतोष को दबाना चाहते थे। हालांकि अंग्रेजों की मंशा को भांपते ज्यादा देर नहीं लगी और 1857 के संग्राम के 90 साल के भीतर ही ऐसे हालात पैदा हुए कि अंग्रेजों को भारत से निकलना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1857 को लेकर इतिहासकारों में कई मत रहे हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह माना, कुछ इसे किसान विद्रोह मानते थे, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिसने प्रमाणिक दस्तावेजों से इसे साबित किया कि यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी। इस किताब में उन्होंने पहली बार लिखा कि यह जन विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला संग्राम था। हिंदी में यह पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर के नाम से छपी। हालांकि ये प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई, लेकिन ये किताब आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। 1947 में जाकर यह सार्वजनिक हो पाई। 38 सालों के दौरान गोपनीय तरीके से इसके कई संस्करण छपे और कई भाषाओं में लोगों तक पहुंचे। क्रांतिकारियों ने ही इसे छिपाकर लंदन से भारत पहुंचाया। एक दौर में क्रांतिकारी इसे गीता जैसा दर्जा देने लगे। ये पुस्तक सावरकर ने महज 25 साल की उम्र में लंदन में पुस्तकालयों में अध्ययन और अनुसंधान करके लिखी, लेकिन इसके छपने से पहले ही उस पर भारत और इंग्लैंड में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके लिए सावरकर ने व्यापक अध्ययन कर पूरी पृष्ठभूमि को समझा, तमाम जरूरी दस्तावेजों को भी जुटाया और साबित किया कि ये कोई सिपाही बगावत नहीं बल्कि भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था जिसमें सभी समुदायों की भागीदारी थी। भारतीय संदर्भ में इसे पहला ठोस और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके पहले 1857 के बारे में अंग्रेजों का यही प्रचार था कि ये महज सिपाही विद्रोह था, उसे गदर कहकर प्रचारित किया गया। हालांकि सावरकर की ये पुस्तक मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई, सावरकर ने पहले ही भांप लिया था कि इसके छपते ही अंग्रेज इसे जब्त कर लेंगे। तभी इसकी हस्तलिखित 3 प्रतियां तैयार कर एक प्रति उन्होंने भारत में छापने को अपने भाई बाबा राव सावरकर को भेज दी, दूसरी प्रति फ्रांस में भीकाजी कामा के पास तथा तीसरी प्रति अपने मित्र डॉक्टर कोठिन्नो के पास भेज दी थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद लाला हरदयाल और भीकाजी कामा के प्रयासों से छपा। इसे बाद में क्रांतिकारियों के बीच व्यापक रूप से बांटा गया। ये ग्रंथ बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके अनगिनत संस्करण गोपनीय तरीके से छपे। सावरकर की ये किताब तमाम क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इसी किताब की प्रेरणा से गदर पार्टी का जन्म हुआ। शहीद भगत सिंह को भी इस किताब ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने राजाराम शास्त्री की मदद से इसे छपवाया।
राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर रास बिहारी बोस को भी इस पुस्तक ने बहुत प्रभावित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से इसका तमिल संस्करण भी छपा। विदेशों में इसके कई गुप्त संस्करण छपे। इस किताब ने काफी हलचल पैदा की। आजादी के पहले और बाद में अंग्रेज अफसरों और इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन पहले वीर सावरकर की किताब इनमें सबसे आगे है और इसमें वास्तविक तस्वीर पेश करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों ने इस जन क्रांति के नायकों ही नहीं, उनसे सहानुभूति रखने वालों का दमन अत्यंत नृशंसता के साथ किया। उनके इश्तियार, अखबार, पत्राचार तथा अन्य दस्तावेज बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिए। भले ही 1857 और आजादी के बीच करीब 90 साल का फासला रहा, लेकिन इसने बाद के आंदोलनों को एक नई ताकत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।